प्रॉब्लम फेस किया, अगर क्या मैंने ये शॉप लेकर गलती कर दी। बहुत मेरे शॉप में चोरी भी हुई है, मेरे शॉप में छोटे मोटे स्कैम भी हुए हैं। ऐसे करके दिखाता है कि ये पैसे नहीं हो तो उस आप एप्लीकेशन के थ्रू आप उससे पैसे ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंग स्टाइलिश। सो फ्रेंड्स वेलकम, आपने थंबनेल देखकर ही यहाँ पे क्लिक किया होगा, तो ऑब्वियसली ये स्कैम जो मेरे साथ हुआ है, लिटरली बताऊँ तो मुझे ये इसके बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन बाद ही जाके पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। सो प्रॉब्लम ये था कि जनरली कस्टमर आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए ये सब चीज़ें। तो बंदा ही कहूँ, क्योंकि वो लड़का तो बिल्कुल नहीं था, आदमी ही था। एक आदमी आया पतला सा, उसने कहा 2 क्रीम मुझे चाहिए डॉक्टर प्लस का। उसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगी। तो ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, अगर मेरे पास आता है तो मैं आपके लिए मंगवा दूँगी। क्योंकि उसको 1-2 पीस नहीं चाहिए था, उसे कम से कम 8 से 10-12 पीस चाहिए थी। मुझे लगा चलो ठीक है, इस बहाने मेरी थोड़ी इनकम हो जाएगी। बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, और ऐसा है कि दिवाली में हर कोई आपके पास आता है शॉप में आपसे मांगने के लिए, दिवाली के लिए कि कुछ दे दो। कहने का मतलब है कि थोड़े जो मांगने वाले होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ तक कि किन्नर भी आते हैं, मेरे पास किन्नर भी आए हैं, बट उनकी वो अलग बात है। चलो वो मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ऐसे फ्रॉड और स्कैम कैसे कर सकते हो यार? कोई इंसान अपना खुद का दुकान बिजनेस जो भी स्टार्टअप कर रहा है, बड़ी मेहनत से और बहुत प्रॉब्लम को फेस करने के बाद वो चीज़ करता है, लेकिन आप जैसे स्टूपिड लोगों की वजह से वो इतना लॉस में चला जाता है, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है। ये शायद ही जो ये इस चीज़ को सफ़र कर रहा है वही मेरी बात को अच्छे से समझ सकता है। सो हुआ क्या कि कस्टमर ने बोला, मैंने लिख दिया, फ़ोटो भी खींच दी। मैंने कहा चलो ठीक है। वो आया था 3 बजे 3:30 बजे के आसपास वो आदमी। देन उसके बाद फिर शाम को ही 7:30 8 बजे के आसपास एक आदमी आता है बैग उठाकर, तो उसके बैग में बहुत सारे माल थे, तो नॉर्मल सा जो बैग होता है। तो आया और बोला कि मैम आपको कुछ चाहिए, ये है वो। यूजली आते हैं ऐसे बंदे लोग मेरे पास कि माल है, आप यहाँ 30 रुपये का ले लो पर पीस, 30 रुपये पर पीस, 20 रुपये आपको माल दे देंगे, लेकिन आपको हमें 30-25 हज़ार एक साथ देने होंगे। ऐसा वाला सीन मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। शॉप वाले जो जितने भी हैं वो मेरे बात से बहुत रिलेट करते होंगे। तो ऐसा होने के बाद मैंने उसको बोला कि नहीं भैया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। और हकीकत लिटरली कहूँ तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं थे, कुछ भी नंबर ले लो, उसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप मुझे नंबर दे दो, मैंने नंबर नोट आउट कर लिया। फिर उसने ऐसे एक आध सामान दिखाया, तो मुझे ऐसे करके दिखाता है कि ये लीजिए। मैंने जैसे ही इस क्रीम को देखा, मैंने कहा डॉक्टर प्लस, मैंने कहा ठीक है भैया ये क्रीम आप कितने का देते हो, होलसेल रेटिंग जो भी आपका रेट है वो मुझे बताइए। तो मुझे ऐसे ऐसे करके उसने मुझे रेट बताया, लेकिन उसने बोला कि अगर आप 4 डिब्बे लेते हो तो आपको 2 डिब्बे फ्री मिले, मतलब मिल जाएगा, और वही आपकी इनकम होगी, वही आपका मार्जिन होगा कस्टमर से लेने का। ठीक है, एक क्रीम की MRP यहाँ पे 99 यानी कि 100 से लेके 125 के आसपास की थी। तो मुझे लगा यार प्रॉफिट तो है। ठीक है, मैंने कैसे ना कैसे करके चाइनीज़ ऐप के थ्रू मैंने पैसे लिए। करीबन मुझे जैसे होता है, एक एप्लीकेशन है मेरे पास जो कि अगर आप जाना चाहते हैं कि बहुत ही मजबूरी में जब आपके पास पैसे नहीं हो तो उस आप एप्लीकेशन के थ्रू आप उससे पैसे ले सकते हो, बहुत इजीली स्टेप के थ्रू आप कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा एप्लीकेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन की वजह से मैंने 8,000 रुपये ले लिए। एक तरह से ऐसा नहीं है, मैंने 2 महीने की उसमें ली कि मैं 2 महीने बाद रिटर्न कर दूंगी। तो 8,000 लेते हैं तो करीबन 9,000 समथिंग हमको पे करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना। देन मैंने चलो ले लिया, ठीक है, और मुझे लगा ठीक है भैया। फिर
मैंने कस्टमर को कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा है, क्रीम मेरे पास आ गई है, आप आके ले जाइए जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। उस बंदे ने कहा कि बहन जी मैं अभी ठेके में हूँ, ठीक है, मुझे मेरे जो ठेकेदार है, जो भी वो बंदा है, वो मेरा मालिक है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जैसे वो मुझे पैसे देता है मैं आता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन ली नंबर, उस बंदे का नंबर और वो सब पूरा एक्सपोज करूँगी। देखो फ़ोटोज़ तो नहीं था मेरे पास कि वो बंदा कैसा दिखता, क्योंकि यार नॉर्मली हम चलते हैं, तो मुझे लगा नहीं फ्रॉड नहीं हो सकता, तो ऐसा सोच कर मैं चल रही थी कि पॉजिटिव, ठीक है। बट लिटरली कहूँ तो उस बंद को मैंने 3-4 बार कॉल करके पूछा कि भैया आप आके कब ले जाएंगे, आप आके कब ले जाएंगे, तो उसका एक ही क्वेश्चन आंसर होता था कि ऐसा ऐसा पैसे नहीं है, ऐसा ऐसा पैसे नहीं है। गलती मेरी यहाँ पे ये हुई कि मैंने उससे एडवांस नहीं लिया। आप ध्यान से देखिए, मैं जो सीख रही हूँ अपनी गलतियों से वो आपको मैं अब बता देती हूँ कि जब कस्टमर आपके पास आता है कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रेस चाहिए, मुझे क्रीम चाहिए, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं, तो उनसे बोलिए मैम आप एडवांस दीजिए, भाई साहब आप एडवांस दीजिए, हम मंगवा लेंगे, ठीक है। ऐसे किसी के लिए भी फ्री का काम मत कीजिए, ये आपके लिए जनसेवा केंद्र नहीं है, बता रही हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ सीखा है, और इसमें से ये स्कैम इतना बड़ा लॉस है मेरा। इससे बड़ा भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बट मैं सोचती हूँ कि वो शायद बताना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। मेरे शॉप में चोरी भी हुई है, मेरे शॉप में छोटे मोटे स्कैम भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे लोग जो है ना सिर्फ स्कैम करने के लिए ही आते हैं और आपका नुकसान करने के लिए आते हैं, कोई आपका सगा नहीं होता है। तो आपको अपनी आंखें जो है खुली रखनी होती है और देखना होता है कस्टमर को कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। माइनस पॉइंट ये है कि मेरे शॉप में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इस वजह से मुझे ये लॉस पड़ता है। प्लस मैंने उनसे एडवांस नहीं लिया तो वो बंदा आया ही नहीं। चलो कोई नहीं, उसका स्कैम मुझे लगा कि शायद वो ऐसा ऐसा है। फिर बाद में पता चलता है जो ये भाई साहब मुझे ये बॉक्स देकर गए हैं, ध्यान से देख लो फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर प्लस का नीम लाइम फेयरनेस क्रीम विद हर्बल, ठीक है। ये बॉक्स और साथ में ये डॉक्टर प्लस का क्लीन स्किन टर्मरिक फेयरनेस क्रीम, ये जो क्रीम देने वाले जो बंदे हैं, और भी बहुत सारे माल हैं इसके कैटलॉग, इसने मुझे बस एक ही बार शेयर किया, ठीक है। वो सब मैं आपको स्क्रीन वीडियो जो भी है आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिख रहा होगा, सब मैंने उससे बोला कि भैया आप अपना ये बॉक्स ले जाइए, ठीक है, और इसके बदले मुझे कुछ और प्रोडक्ट दीजिए जो मेरे इस यहाँ पे शॉप में चलते हैं। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं ले सकती हूँ, इसको आप ले जाइए, क्योंकि जिस कस्टमर ने मुझसे मंगवाया उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने इस करके मैंने उसको ये बोला। लेकिन मुझे पता है अब नाउ ये डेट में ऐसा फील होता है कि वो बंदा ही इस बंदे के साथ मिला हुआ है, आप समझ रहे हो। देन उसका नंबर सब कुछ शो करूँगी, मैंने क्या क्या बात की वो भी आपके साथ शो करूँगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था ना यार, 8,000 कमाने में, सच बताऊँ प्रॉफिट हमें कमाने में महीना डेढ़ महीना लग जाता है, समझ रहे हो। ब्रेक के बाद आती हूँ, कस्टमर आ रहे हैं। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ तो वही आपके साथ शेयर करना था कि ताकि कभी ऐसा होता है ना कि कस्टमर आते हैं आपके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो सीधा आप बोले एडवांस दीजिए, बस बात ख़त्म। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सामान लेना ही मत, जो आपके पास शॉप में आके बोलते हैं ना कि हम आपको इतने सस्ते माल में हमको पैसे दे देंगे, वो सिर्फ एक ही बार विज़िट करते हैं और हर शॉप को एक निशाना बनाते हैं कि वहाँ से बस पैसे आ जाए। उनकी दिन की कमाई आप समझ सकते हो, अगर वो एक दुकान से 4,000-5,000-8,000 उठा रहा है तो सोचो इतने सारे शॉपों में से किसको वो बेवकूफ़ बना सकता है, वो भी सिर्फ अपना एक घटिया सा माल बेचने के लिए। मैं सच बताऊँ, मैं ये सस्ता सा चीप माल मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकती हूँ कि लीजिए मैडम ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, नहीं बोल सकती यार। तो मेरे पास इसका दूसरा सलूशन ये है कि अगर इनके साथ के पास ऐसा होता है कभी आपको अपना पैसा वापस करना है, तो दो ही तरीके हैं,
पहला तरीका है कि इसको फेंक दो, ठीक है। मैं आपको सीरियस वाले तरीका बताती हूँ। मैंने आई थिंक दिवाली आने के एक हफ्ता पहले, जब अहोई अष्टमी का व्रत ऐसा कुछ रखते हैं, या उससे पहले भी कोई एक आध फेस्टिवल आता है, तो वहाँ पर मैंने सेल लगा दी थी अपनी शॉप के बाहर, 50-50 रुपए की सेल। मेरे पास जितने भी कॉस्मेटिक हैं अंडर 50 जितने भी मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, छोटे से बड़े जो भी हैं, मैं सबको सेल पे लगा दिया है। आई नो ये लॉस में जाएगा क्योंकि मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बस मेरा पैसा मुझे वापस मिले, प्लस मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है इस वजह से। और सच बताऊँ, आप लोगों से बहुत बहुत विनती करती हूँ कि प्लीज़, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है, और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप देख सोच रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है इतना खाली खाली क्यों है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान मैंने बाहर डाले हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं अंदर आने का कष्ट नहीं करते हैं। जो भी है बाहर लगता है, वहीं से घूर कर पूछ कर रेट पूछ कर फिर स्कोर चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा माइनस पॉइंट ये है, इस वजह से मुझे अपना सारा सामान बाहर ले जाना पड़ता है, और यहाँ पे इतना डस्ट होता है, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हो लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए कभी हम कभी और मिलकर बात करेंगे बिज़नेस टॉपिक को लेकर, कि जैसा भी आपको लगता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कि आपको बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, मैंने कितना प्रॉब्लम फेस किया, अगर क्या मैंने ये शॉप लेकर गलती कर दी, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं अपने काम को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे जॉब से ज़्यादा मुझे बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो अलग बात है कि ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, हमको ये फेस करना पड़ता है, ये ज़िंदगी है, तो इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, 10 मिनट से ऊपर चली गई है, तो इसलिए इसके लिए माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।